नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज साझा करने वाले आप लोगों के साथ, भारतेंदु हरिश्चंद्र को लेकर। इनकी प्रमुख रचनाओं में आपने अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा नाटक को जरूर पढ़ा होगा, जिसमें यूपीएससी में पता है कि भारत दुर्दशा को पढ़ना है, और कई अन्य स्टेट पीसीएस या यूनिवर्सिटी के आप सिलेबस में देखेंगे कि अंधेर नगरी या भारत दुर्दशा को किसी न किसी रूप में पढ़ना है। लेकिन आज मैं उस पर बात न करते हुए इनके उस ऐतिहासिक भाषण का जिक्र करूंगा, इनकी उन बातों का मैं जिक्र करूंगा जो कहीं नहीं आपको उन चीजों से जोड़ेगा, इनके बारे में एक नया विमर्श आपके सामने प्रस्तुत करें जो आपके सिलेबस से भी जुड़ा हुआ है और भारतेंदु जी को समझने में बहुत ही सहायक प्रदान करेंगे। यह एक स्वदेश प्रेम से अंकित चीजें हैं, यह उनका मातृभाषा प्रेम के प्रति जो एक लगाव है, उन बातों को मैं यहाँ पे आकृष्ट करूंगा आप लोगों के सामने। कहा जा सकता है कि जिस हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का सूत्रपात हो रहा है, चाहे वो साहित्य के तौर पर देखा जाए चाहे भाषा के तौर पर, जो आज हिंदी हमारे सामने है, इन्हें के समय में हिंदी खड़ी बोली से परिष्कृत होना प्रारंभ हुई, इसीलिए इन्हें एक साहित्यिक नेता भी कहा जाने लगा। और हो भी क्यों ना, इन्होंने साहित्य के माध्यम से जिस तरह समाज में एक परिवर्तन की लहर लाए, जो उस समय जो अवस्थाएं थी उस अवस्थाओं में इन्होंने जो हमारा उस समय जागरण काल था उसे उन्होंने अपनी कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन ऐसी कई पत्रिकाओं के माध्यम से, समानांतर जो साहित्यिक संस्थाएं खड़े की उसके माध्यम से कहीं ना कहीं एक ऐसे समाज की स्थापना की जो अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए खड़ी हो। उन्होंने बताया कि आखिर भारत की दुर्दशा ऐसी क्यों है, उन्होंने परिष्कृत किया साहित्य को, और उसी साहित्य साथ इन्होंने समाज सेवा में अपना लगातार योगदान देते रहे। तो आज हम बात करते हैं उनके इन्हीं विशिष्ट चीजों की इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले मैं इनके बारे में जो एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला आप लोगों को, वह है 1882 में जो शिक्षा आयोग था, हंटर कमीशन, उसके समक्ष जब इन्होंने अपनी गवाही में हिंदी भाषा के प्रति जो इनका प्रेम था, जो मातृभाषा के प्रति इनका अगाध श्रद्धा था, जो कहीं ना कहीं बाधित कर रही थी समाज की इस व्यवस्था को विकास की तरफ ले जाने में, उसके प्रति जो लोगों का एक भाव था, उस भाव को इन्होंने दर्शाने की कोशिश की कि क्यों न्यायालयों की जो भाषा है उसे हिंदी अर्थात लोगों की भाषा बनाने की बात की थी। यह बात आज भी देखा जाए तो आप महसूस करते हैं कि जो अदालती भाषा है वह आपको तनिक भी समझ में नहीं आता है, आपका एडवोकेट या आपके जो लॉ विशेषज्ञ है वो आपको समझा पाते। वो कहते हैं कि यदि हिंदी अदालती भाषा हो जाए तो सम्मन पढ़वाने के लिए दो चार आने कौन देगा, और साधारण सी अर्जी लिखवाने के लिए कोई रुपया 8 आने क्यों देगा। यह बात उस समय की है, दो चार आने की, लेकिन विमर्श आज भी लागू होता है, ऐसी वस्तु स्थिति आज भी बनी हुई है। एक पढ़ा लिखा इंसान भी अदालती चीजों को नहीं समझ पाता है, सोचिए तब उस समय क्या स्थिति रही होगी, या समाज में ऐसे जो लोग हैं जो इन भाषाओं को नहीं पढ़ समझ सकते हैं, अपने ही न्याय की भाषा को आदमी नहीं समझ सकता है, बताइए उसकी तब क्या स्थिति होगी, तब पढ़ने वाले को अवसर कहां मिलेगा कि गवाही के संबंध को गिरफ्तारी का वारंट बता दे। ऐसा होता था, तभी सब देशों की अदालतों में उनके नागरिकों की बोली और लिपि का प्रयोग किया जाता है। ये बात बहुत ही दिल को छूने वाली है कि जो नागरिकों की बोली है उसी बोली में तो हमारा न्याय होना चाहिए। यही भारत ऐसा देश है जहां अदालती भाषा ना तो शासकों की मातृभाषा है न प्रजा की। यदि आप दो सार्वजनिक नोटिस एक उर्दू में एक हिंदी में लिखकर भेज दो तो आपको आसानी से मालूम हो जाएगा कि प्रत्येक नोटिस को समझने वाले लोगों का अनुपात क्या है। ये बात 1882 में कह रहे हैं हंटर कमीशन के समक्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो सम्मन जिलाधीशों द्वारा जारी किए जाते हैं उनमें हिंदी का प्रयोग होने से रैयत और जमींदार को तो हार्दिक प्रसन्नता प्राप्त हुई है। साहूकार और व्यापारी अपना हिसाब किताब हिंदी में रखते हैं,
स्त्रियां हिंदी लिपि का प्रयोग करती हैं, पटवारी के कागजात हिंदी में लिखे जाते हैं और ग्रामों के अधिकतर स्कूल हिंदी में शिक्षा देते हैं। यह बातें आज भी प्रासंगिक है और इस विमर्श को लागू करती है। तभी तो उन्होंने एक बेहतरीन कविता प्रस्तुत किया था, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत ही निके हैं। उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोए, निज भाषा उन्नति बिना कबहु न होए सोए। लाख उपाय अनेक यो भले करे किन कोए, एक भाषा एक जीव एक मति सब घर के लोग, तबे बनत है सबन सो मिटत मूढ़ता सोग। और एक अति लाभ या में प्रकट लघात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात, ते ही गुनी ते ही सुनी पाओ लाभ सब, बात सुने जो कोई, यह गुण भाषा और महम कबहू नहीं कोई होए। विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन लय करहू भाषा माही प्रचार, भारत में सब भिन्न अति ताही सो उत्पात, विविध देश मतहू विविध भाषा विविध लखात, सब मिल तासो छाड़ी के सब मिल तासो छाड़ी के दूजे और उपाय, उन्नति भाषा की करहूं अहे अहो भ्रातगण आए। भारतेंदु जिस तरह भाषा के विमर्श पे ये अगाध प्रेम को दर्शाते थे और उसके लिए उन्होंने आजीवन वो कार्य करते रहे, उसी प्रकार उन्होंने स्वदेश प्रेम के प्रति लोगों को उत्साहित किया। जो भारत दुर्दशा हम नाटक पढ़ते हैं यूपीएससी में, ये बातें उस नाटक से जोड़ेगा आपको, उनके मनोभावों को प्रदर्शित करेगा, आपको सहायता मिलेगी उसे समझने में और भारतेंदु हरिश्चंद्र विमर्श को जानने में। भारतेंदु ने विलायती कपड़ों के बहिष्कार की अपील करते हुए जो एक स्वदेशी का प्रतिज्ञा पत्र 23 मार्च 1874 के कविवचन सुधा में प्रकाशित किया, वो आज भी पूरे हिंदी समाज का एक प्रतिज्ञा पत्र बन गया है। इसमें भारतेंदु ने कहा था, हम लोग सर्वांतरमाई सब स्थल में वर्तमान सर्वद्रष्टा और नित्य सत्य परमेश्वर को साक्षी देकर यह नियम मानते हैं और लिखते हैं कि हम लोग आज के दिन से कोई विलायती कपड़ा न पहनेंगे, और जो कपड़ा की पहले से मोल ले चुके हैं और आज की मिति तक हमारे पास है, उनको तो उनके जीर्ण हो जाने तक काम में लावेंगे, पर नवीन मोल का लेकर किसी भांति का भी विलायती कपड़ा न पहनेंगे, हिंदुस्तान का ही बना कपड़ा पहनेंगे। हम आशा रखते हैं इसको बहुत ही क्या प्रायः सब लोग स्वीकार करेंगे और अपना नाम इस श्रेणी में होने के लिए श्रीयुत बाबू हरिश्चंद्र को अपना मनीषा प्रकाशित करेंगे और सब देश हितैषी इस उपाय के बाद में अवश्य उद्योग करेंगे। और इसी उद्योग की बात आपको याद आना चाहिए, मैथिली शरण गुप्त भी कहते हैं जब हम उनकी रचनाएं पढ़ रहे थे। तो यह विमर्श था भारतेंदु हरिश्चंद्र का। उसी प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजों के शोषण तंत्र को भली भांति समझते थे। उन्होंने जिस अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक लिखा था, अपनी पत्रिका कविवचन सुधा में उन्होंने लिखा था, अब जब अंग्रेज विलायत से आते हैं प्रायः कैसे दरिद्र होते हैं, और जब हिंदुस्तान से अपने विलायत को जाते हैं तब कुबेर बनकर जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि रोग और दुष्काल इन दोनों के मुख्य कारण अंग्रेज ही हैं। अपने धन का निष्कासन सिद्धांत पढ़ा होगा, दादाभाई नेहरू जी। तो ऐसे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। सन 1884 में बलिया के दादरी मेले में उन्होंने जिस तरह भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है पर एक अन्य अत्यंत सारगर्भित भाषण दिया था, वह भाषण आज भी प्रासंगिक होता है और आपके उस सिलेबस को समझने में सहायता प्रदान करे। दादरी जैसे एक धार्मिक और लोक मेले के साहित्यिक मंच से भारतेंदु का यह उद्बोधन अगर देखा जाए तो आधुनिक भारतीय समाज राजनीतिक और आर्थिक चिंतन का एक प्रस्थान बिंदु है। प्रस्थान बिंदु क्यों है, इस भाषण के इस छोटे से अंक से हम समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार उन्होंने जिस तरह नवीन साहित्यिक चेतना और स्वभाषा प्रेम का सूत्रपात किया था, उसी तरह आगे चल के अंग्रेजों के विरुद्ध साम्राज्य विरोधी चेतना तथा स्वदेश प्रेम का भी विकास उन्होंने किया।
वो कहते हैं, हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठकर बांस की नालियों से जो तारागृह आदि भेद करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को भेद करने में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार है, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। ये एक तरीके से व्यंग्य था उस समय की परिस्थितियों पे और हमारे जो लोग थे उस समय की जो व्यवस्था थी उनके ऊपर कि हम क्या थे, क्या हो गए। याद कीजिए मैथिली शरण गुप्त की बात है। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेजी, फ्रांसिस आदि, तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छूले। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। उनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाफते हुए दौड़ते देख करके आप के भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए बिना आगे न बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता है, आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का तो कोप होना ही चाहिए। उन पर ईश्वर का कोप ही तो कहना चाहिए। यह बातें इन्होंने जो कही थी बिल्कुल भारत की जिस सामाजिक और आर्थिक उन्नति को जो प्रयत्न किया जा रहा है उस प्रयत्न के लिए यह बात कही गई थी। वास्तव में भारतेंदु की चेतना वैश्विक चेतना थी। उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि विश्व के कौन से देश कैसे और किस प्रकार उन्नति कर रहे हैं, इसलिए तो यह बात उस पर लागू होती है और वो कहते हैं कि भारतवर्ष कैसे उन्नति कर सकता है। यह उनके उस प्रगति जो सील सोच है उसका एक परिणाम था। जिस प्रकार उन्होंने कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग करके अच्छी शिक्षा प्रदान करने, उद्योग धंधे को विकसित करने के लिए सहयोग और एकता पे बल किया, आत्मनिर्भर जो भारत की आज बात हो रही है, वो बात तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस समय ही कह दिया था और ये उद्बोधन इस बात का संकेत करता है। बहुत लोग कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती, बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दुन की सुझती है। यह कहना उनकी बहुत बड़ी भूल है। बिल्कुल सही बात है ये। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति की राह के कांटों को साफ किया। यह बातें इस बात के लिए उद्वेलित करनी चाहिए कि हमें विकास करना है, हमें अपने राष्ट्र की उन्नति करना है और भारतवर्ष तभी उन्नति कर सकता है। तो भारतेंदु के जिस इन विमर्शों को मैं आप लोगों के सामने जाहिर किया, मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह जानकारी कितनी अच्छी लगी आपको। मैं और भी इसी तरह की जानकारी साहित्य से संबंधित आप सभी से साझा करूंगा। तो हम फिर मिलेंगे और मेरे प्यारे बच्चों इसको शेयर करो, शेयर करने से प्यार बढ़ता है। तो थैंक यू वेरी मच।